Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool. हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक फ्रेंच डोर में है, सैमसंग का मॉडल, जो कि RF90A9553-87, जो कि इस लुक में मिलेगा आपको। बाहर से आपको टफन ग्लास मिलेगा, ठीक है, अंदर से बहुत बड़ा स्पेस मिलेगा जो कि 934 लीटर में है, ठीक है। ये फ्रेंच डोर में मिलेगा आपको, जिसमें अंदर का स्पेस देखेंगे काफी बड़ा आएगा और ये ट्रिपल कूलिंग के साथ आएगा, ठीक है। जैसे कि आप मतलब देख रहे हैं, ये मेटल कूलिंग के साथ दिया हुआ है, साथ में यूवी डियोडराइजर भी दिया हुआ है। जो भी कूलिंग अंदर से पास होगी, जो इसका यूवी है, जो भी जर्म्स होंगे वो डिसइंफेक्ट करेगा, ठीक है। और ट्रिपल कूलिंग का मतलब ये है कि तीन फैन के थ्रू कूलिंग होगी, जो कि ये फ्रेंच डोर होने के साथ कंफर्टेबल भी है। नीचे के अलग अलग कंपार्टमेंट के अलग अलग फैन हैं और ऊपर का एक फैन है। इसकी साथ के साथ जो शेल्फ्स हैं वो एडजस्टेबल हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई बर्तन रखना है, पहले तो आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कभी भी परमानेंटली आपको नीचे का स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए तो इस शेल्फ को आप ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये आप देखेंगे काफी बड़े रैक्स मिले हुए हैं जो कि अक्लैरिक में ही मिलेंगे, जिसको आप 2 लीटर की बोतल और 1-1 लीटर की बोतल को आप स्टोर कर सकते हैं। साथ ही में इसका जो ये वाला कंपार्टमेंट है, ये वाला कंपार्टमेंट कन्वर्टेबल है, जिसको आप अगर ऊपर का स्टोरेज आपको कम पड़ रहा है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, आपके फ्रिज में, जो कि ऊपर की कूलिंग का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। और इसमें जैसे कि एक पहले भी एक वीडियो बनाई गई है जिसमें इसका एक लोअर मॉडल है उसके बारे में बताया गया था, जिसमें आपको 2 बास्केट मिलेगी जो वेजिटेबल्स आप स्टोर करने के लिए, ठीक है। यहाँ आप अपना कोई भी कैन रख सकते हैं, जो भी जो सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक की जो कैन आती हैं आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं। साथ ही में इसका एक हाई एंड मॉडल होने का एक रीजन है इसके स्लिम आइस मेकर की। इसमें जो आइस मेकर दिया हुआ है बड़ा यूनिक स्टाइल का दिया हुआ है। पहले तो आप पानी यहां से फिल करेंगे इसमें, जो कि जाएगा आइस ट्रे में। आइस ट्रे दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और आपने जब भी आपको आइस की नीड होगी, आपने सिर्फ इसको पुल करना है, ठीक है, क्योंकि आपको आइस यहां मिलेगी, ठीक है। साथ ही में आप देखेंगे इसमें आपको 21 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले मिलेगी। इसमें इस मॉडल में डिस्प्ले देने का एक क्या रीजन है कंपनी का, पहले तो हमारी जो किचन है, जो भी इंडियन किचन आप देखेंगे वहां पे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वहां कोई भी गैजेट नहीं होता है। जैसे जो भी हमारी हाउसवाइफ हैं या मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, किचन में किसी तरीके का कोई एंटरटेन कर पाए, ठीक है। इसमें आपको जो डिस्प्ले दी गई है, इसमें आप यूट्यूब रन कर सकते हैं, यूट्यूब में कोई भी अपने सीरियल्स हैं वो वगैरह देख सकते हैं। और इस डिस्प्ले की एक खासियत ये है, जैसे कि आपने अंदर कुछ भी स्टोर किया हुआ है, वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, आप उसकी यहाँ पे एक वैलिडिटी देख सकते हैं। जैसे कि यहां आप देख रहे हैं व्यू इनसाइड का ऑप्शन आएगा, जो कि यहाँ पे ना 3 कैमरे दिए हुए हैं, ये 3 कैमरा दिए हुए हैं यहाँ पे, जो अंदर का व्यू आपको बाहर शेयर करेगा। इसमें आप देखेंगे अंदर का सारा आपको व्यू मिल रहा है, जिसमें जैसे आपने अंदर एप्पल रखा है, ठीक है, या कोई भी फ्रूट रखा हुआ है, उसका डेट और टाइम के साथ आप यहाँ पे अगर एडजस्ट करते हैं तो आपको इसकी वैलिडिटी बताएगा। जो भी 14-15 दिन की वैलिडिटी होगी उसमें आपको वो अलर्ट करता रहेगा कि ये वाला एप्पल इतने दिनों से वहां रखा हुआ है। और साथ ही में ये मॉडल वाईफाई के साथ आएगा,
आप घर से काफी दूर हैं, आपको ये देखना है कि फ्रिज के अंदर हमारे मेरे क्या क्या स्टोर है, कोई भी फ्रूट खत्म तो नहीं हो रहा, तो आप अपने फोन में इसके अंदर का व्यू देख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए एप्पल खत्म है तो आते हुए आप ले भी आ सकते हैं वहां से। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने ऑपरेट कैसे करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फाइल, ये फ्रिज मैनेजर का एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ क्लिक करते हैं। या अभी हमारा ये जो रेफ्रिजरेटर है ये डेमो मोड पे रन कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, ये होता है 1 2 1 2 1 2। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पास ना इस तरीके की डिस्प्ले आ जाएगी, ठीक है। तीन, ये ऊपर का कंपार्टमेंट, ठीक है, और नीचे के दोनों कंपार्टमेंट का ये टेम्परेचर दिखाएगा, जो कि -19 जो है अभी आपका जो फ्रीजर है, फ्रीजर कंपार्टमेंट वो आपका 19 डिग्री में चल रहा है, ठीक है। और ये जो कंपार्टमेंट है ये आपका अभी फ्रिज है। अगर मान लीजिए इसको आपको कल को कन्वर्ट करना हो, आपने इसको ये 4-5 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, जैसे कि सॉफ्ट फ्रीज में करना है, ठीक है, मीट एंड फिश आपको स्टोर करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको स्टोर करनी है, ठीक है, बेवरेजेस हैं वो आपको अगर स्टोर करना है इसको फ्रिज बना के, तो यहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही में ऊपर का टेम्परेचर आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे फोन से कनेक्टेड है, मतलब आप अपने होम वाईफाई से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये मेरे फोन से कनेक्टेड है। तो आपको अपने किचन एंटरटेनमेंट के लिए ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, मतलब कोई भी आपने पुराना सीरियल देखना है या कोई भी सॉन्ग्स वगैरह सुनने हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ये देखेंगे सर्च हो रहा है, बड़ी स्क्रीन के साथ साथ इसकी आवाज भी काफी अच्छी है, काफी अच्छी क्वालिटी का स्पीकर दिया हुआ है। यहाँ से आवाज तेज करने के लिए आपको दिया हुआ स्क्रीन पे, किसी भी क्वालिटी में आप इसको देख सकते हैं एज सेम एज योर फोन। बाकी देखेंगे आप, ये आपको ग्लास लुक में दिया गया है, पूरा का पूरा टफन ग्लास है, टूटेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बाकी 3.25 लाख, 3,40,000, 3,35,000 रुपए की प्राइस में अच्छी बड़ी फैमिली के लिए एक अट्रैक्टिव लुक में काफी अच्छा रेफ्रिजरेटर है, जो कि सैमसंग की तरफ से ग्लोबल नंबर वन है, कूलिंग के मामले में हो, ड्यूरेबिलिटी के मामले में हो, या अब ये आपके एंटरटेनमेंट के मामले में हो, ठीक है। 3,25,000, 3,30,000, 40,000 रुपए की प्राइस में बहुत अच्छा रेफ्रिजरेटर है। थैंक यू।